ठीक है, अगली पर्सनालिटी जो है वो लिखना मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मेरे ख्याल इसके बारे में नहीं लिखा है मैंने, एक मिनट। हेडिंग डालिएगा मोतीलाल, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, इस पर्सनालिटी के बारे में जितना मुझे ध्यान में नहीं लिखा है था। ठीक, मोतीलाल नेहरू। चलिए इसमें लिखिए, फर्स्ट पॉइंट बना के लिखिएगा इनके बारे में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सीधे सीधे उसी को हम लोग लिखेंगे। लिखिएगा, लिखिए, ही वॉज द इम्पोर्टेंट मेंबर, ही वॉज द इम्पोर्टेंट मेंबर मेंबर इन द मदन मोहन मालवीय कमीशन। ही वॉज द इम्पोर्टेंट मेंबर इन द मदन मोहन मालवीय कमीशन, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय कमीशन इन 1990, मदन मोहन मालवीय कमीशन इन 1990, इन 1990। ठीक है, देखो हुआ क्या था, जब आपका जलियांवाला बाग हुआ था 1919 में, तो उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी एक कमेटी बनाई थी, मदन मोहन मालवीय कमेटी बनाई थी। ठीक है, और इस मदन मोहन मालवीय कमेटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर आपके एम एल नेहरू भी थे। तो इसके लिए आपका एमसीक्यू क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकता है कि जो एम एल नेहरू यानी कि मोतीलाल नेहरू थे, बताओ इन चारों में से किस कमीशन के एक इंपॉर्टेंट मेंबर थे। तो मदन मोहन मालवीय कमीशन आपको याद में रखना। ठीक है, तो अगर लिखना है तो लिख लो वहां स्टार बना के या एरो बना के, टू इन्वेस्टिगेट दी जलियावाला बाग, टू इन्वेस्टिगेट दी जलियावाला बाग। ठीक, देन अगला पॉइंट में आगे लिखिए, एम एल नेहरू यानी कि मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू बिकम्स द प्रेसिडेंट, सॉरी, हाँ, बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, बिकम्स द प्रेसिडेंट, बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इन 1919, बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इन 1919 एंड 1928। ठीक है, दो बार वो आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, तो ये आपको रटाफिकेशन करना है। उसको लिख लीजिए, मोतीलाल नेहरू बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी इन 1919 एंड 1928। ठीक है, 1919 एंड 1928, 1928। देन अगला लिखो, इन 1919 ही स्टार्टेड इंडिपेंडेंस न्यूज़पेपर, ही स्टार्टेड इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस न्यूज़पेपर। पूछ सकते हैं भाई कब स्टार्ट हुआ था, तो ये लिख के आ गए, ही स्टार्टेड इंडिपेंडेंस न्यूज़पेपर, इंडिपेंडेंस न्यूज़पेपर। देन अगला पॉइंट बना के लिखिए, ही रोट अ बुक, ही रोट अ बुक, कहते हैं उस समय की बड़ी फेमस बुक थी आपकी, द स्ट्रगल फॉर स्वराज, ही रोट अ बुक, द स्ट्रगल फॉर स्वराज। ठीक है, द स्ट्रगल फॉर स्वराज, द स्ट्रगल फॉर स्वराज। देन लिखिए, इन 1923 विद चित्रंजन दास, या शॉर्ट में लिखो विद सी आर दास, विद सी आर दास, विद सी आर दास ही स्टैब्लिश स्वराज पार्टी, विद सी आर दास ही स्टैब्लिश स्वराज, स्वराज पार्टी। ठीक है, इन्होंने क्या स्टैब्लिश की, स्वराज पार्टी स्टैब्लिश की, विद सी आर दास स्टैब्लिश स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी। चलिए अगला नाम लिखिएगा, शायद आप लोगों ने कभी सुना हो, मैडम भीकाजी कामा। ये जितना मुझे ध्यान है मैंने एक बार ये नाम लिया था क्लास में, किसी को याद है? अरुण या शेरवी, आपने सुनाली तो समय ज्वाइन नहीं किया था, बट कुछ मैं यस पढ़ा सर, था तो मैंने बताया था मैडम भीकाजी कामा के बारे में। क्या बताया था इनके बारे में, मैडम भीका जी कामा। अरुण, अगर आपको कुछ याद है या किसी और को कुछ याद हो तो, शेरवी को कुछ बताया था इनके बारे में कि इनको कुछ कहते हैं।
नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, तो लिखिए भाई इनका पहला। शी वॉज नोन एज मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज। शी वॉज नोन एज मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज, ठीक है, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज, ये इनको कहा जाता है, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज, ठीक। फिर सेकंड पॉइंट बना के लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस शी डिजाइंड द इंडियन फ्लैग, शी डिजाइंड द इंडियन फ्लैग, इंडियन फ्लैग। तो आज का जो हमारा इंडियन फ्लैग है, जिसमें आपके ट्राई कलर्स हैं, बीच में आपका स्पोक है, व्हील है, उसमें स्पोक्स हैं, और एक जो रेशियो हमारा 2:3 का रेशियो जो है, वो कहते हैं कि मैडम भीकाजी कामा ने ही वो जो डिजाइन था आज का हमारा, वो डिजाइन तैयार किया था, ठीक है। तो शी डिजाइन द इंडियन फ्लैग, ये आपसे पूछा जा सकता है इनके बारे में। फिर ठीक है, बस इसमें इतना बहुत है सफिशियंट इनके बारे में। अगला नाम लिखिएगा, मैडम भीका जी के बाद लिखिए अगला नाम, मोहम्मद इकबाल। ये नाम भी आप लोगों ने सुना होगा क्लास में, मोहम्मद इकबाल। तो कोई बताएगा शेरवी और अरुण में ये नाम मैंने क्यों पढ़ाया था, मोहम्मद इकबाल, कुछ अगर याद आ रहा हो आप लोगों को तो, मोहम्मद इकबाल नाम जो है। चलिए लिखिए भाई इसमें, मोहम्मद इकबाल नाम क्यों पढ़ाया गया था पहले आप लोगों को। तो पहला पॉइंट लिखिए, असल में ये जो आपके मोहम्मद इकबाल थे, ये पोएट थे, उर्दू के पोएट थे, और इस वजह से इन्होंने काफी जो आपकी स्लोगन्स थे, जो आपके क्या कह सकते हो, पोएट्री थी, वो काफी कुछ लिखी थी नेशनलिज्म को लेकर, इस वजह से ये बहुत फेमस रहे, ठीक है। तो इनका जो सबसे ज्यादा फेमस जो स्टेटमेंट रहा, जिसको हमारे आज भी हिंदुस्तान में, हमारे आजाद हिंदुस्तान में काफी याद किया जाता है उस स्टेटमेंट को, तो ये था कि उन्होंने एक बुक थी, पहले लिख लो, ही रोट अ बुक, ही रोट अ बुक, एक किताब लिखी थी इन्होंने, रोट अ बुक तरानाए हिंद, तरानाए NAYA, तरानाए, सॉरी NA होगा, YA, तरानाए हिंद, ठीक। ही रोट अ बुक तरानाए हिंद, तरानाए हिंद, इन विच ही रोट अ सॉन्ग, उसके अंदर उन्होंने एक गाना लिखा था, इन विच ही रोट अ सॉन्ग। तो सॉन्ग तो बहुत लंबा है, पर जो शुरू की लाइन थी वही सबसे ज्यादा लोगों के बीच में फेमस हुई, ही रोट अ सॉन्ग, और वो नाम आपने सुना भी होगा, क्या सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसको लिख लीजिए, ही रोट अ सॉन्ग, हम बुलबुले हैं इसके ये सरजहां, पुरान ऐसा गाना करके है, बट आप शुरू कर ये इनिशियल वर्ड लिख लीजिए बस, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है, ही रोट अ सॉन्ग, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अब यहाँ पर एक और चीज जो आपके एग्जाम में काम आ सकती है, कि ये जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो आपका सॉन्ग था, जिस बुक के अंदर लिखा गया था भाई मोहम्मद इकबाल, वो सबसे ज्यादा फेमस कब हुआ, वो फेमस तब हुआ जब 1984 में जो हमारे फर्स्ट एस्ट्रोनॉट थे, यानी कि हमारे कौन, राकेश शर्मा, अभी भी आप जिंदा हैं ये राकेश शर्मा, शर्मा जो है, ये जब आपके सोयोस 7 रॉकेट में बैठकर, ये उस समय का यूएसएसआर का रॉकेट था, उसमें ये बैठकर कहाँ गए थे, स्पेस में गए थे, ये 1984 की बात है, और जब ड्यूरिंग द टॉक्स विद प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था कि भाई आपको हिंदुस्तान कैसा लगता है, तो उन्होंने यही एक लाइन जो है वो पढ़ दी थी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ठीक है। तब वहां से ये लाइन और ज्यादा क्या हो गई थी, हमारे आधुनिक भारत में फेमस हो गई। तो कई बार एग्जाम में आ सकता है कि जो ये सॉन्ग है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान है हमारा, ये किस किताब से लिया गया है, तो आप टिक करके आइएगा तरानाए हिंद में, और तरानाए हिंद जो है वो किताब किसने लिखी, मोहम्मद इकबाल साहब ने लिखी। अच्छा, और यही वो मोहम्मद इकबाल साहब थे जिन्होंने क्या रखा था, आपका कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान, ये भी ध्यान रखना, ही ऑल्सो प्रेजेंटेड द
या कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान। वो बात अलग है कि पाकिस्तान की जो डिमांड थी वो पहली बार जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने की। ठीक, देखो इसको मैं शायद अगर शिरवी और उनको याद आ रहा होगा तो अच्छी बात है, वरना आप लोग के लिए बता देता हूँ। पाकिस्तान जो शब्द है इससे जुड़े तीन लोगों को हम लोग पढ़ते हैं। पहला ये जो मैंने बताया मोहम्मद इकबाल, ठीक है, ये वो पर्सन थे, कह सकते हो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ये आइडिया दिया, ही गेव द आइडिया कि जितने भी आपके मुसलमान हैं उनके लिए एक अलग से क्या होना चाहिए, एक देश होना चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके क्या रहेंगे, जो इस्लामिक फॉलोअर्स हैं या जो इस्लाम को मानने वाले हैं वो रहेंगे, वो ऐसा करने वाले आपके ये फर्स्ट पर्सन थे। ठीक है, दूसरा एक नाम हम पाकिस्तान से जोड़ के दे सकते हैं और वो नाम है आपका क्या, चौधरी आपका रहमत अली। ठीक है, चौधरी रहमत अली, रहमत अली ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे और इन्होंने ही पाकिस्तान शब्द दिया था। ठीक है, ही गेव द वर्ड पाकिस्तान, ही गेव द वर्ड पाकिस्तान। ठीक है, और थर्ड पर्सन को हमको याद रखना पड़ेगा, वो क्या आपके मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने ऑफिशियली, आप कह सकते हैं कि ऑफिशियली जो है वो पाकिस्तान की डिमांड रखी थी। ठीक है, ऑफिशियली डिमांडेड पाकिस्तान, और मरते दम तक, या यानी कह सकते हो कि जब तक 1947 तक पाकिस्तान नहीं मिल गया तो मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के डिमांड पे ही क्या रहे, आपके अड़े रहे। तो अभी जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, मोहम्मद इकबाल जिन्होंने एक समय पर अपनी किताब में कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो आप मान सकते हो कि उस समय ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी को प्रमोट करते थे। बट जो भी उस समय के हालात रहे हो, आफ्टर टाइम पासिंग इनका कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो गया और इन्होंने ऐसा मांग कर दी कि भाई ऐसा देश बनाएंगे हम लोग आगे चल के जिसमें सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक या इस्लाम को मानने वाले ही लोग हों। क्लियर है तीनों को, चारों को, सॉरी यहाँ तक? ठीक है, सोनाली, संदीप, अरुण, ये यस सर, होगा है ना मेरे साथ साथ, इसको लिखते भी जाओ। अगर मैं बोल नहीं रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि लिखो नहीं, शॉर्ट में लिखते भी जाओ कि आपको बाद में याद रहे। ठीक, और यहीं पे अगर आप लोगों को याद हो कि पहली बार पाकिस्तान जो है वो 1940 में ऑफिशियली भाई मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो मांगा गया था। ठीक, चलिए वापस आते हैं, इकबाल के बारे में कुछ और पढ़ लेते हैं। तो इनकी कुछ वो लिख लीजिए, फेमस जो बुक्स हैं वो लिख लीजिए, फेमस बुक्स इकबाल साहब की, शायद पूछ ले, फेमस बुक्स लिख लीजिए। तो पहला लिखिएगा असरार ए खुदी, थोड़ा सा स्पेलिंग बढ़ा के लिख लो अपने आप, असरार, क्योंकि तो सारे वर्ड उर्दू के ही हैं, ए असरार ए खुदी, असरार ए खुदी। ठीक है, सेकंड लिखिएगा जावेद नामा, जावेद नामा, जावेद नामा, जावेद नामा। थर्ड लिखिएगा बंग ए दर्रा, BANG, बंग ए दर्रा, बंग ए दर्रा। ठीक है, ये तो ये कुछ फेमस इनकी आप कह सकते हो किताबें थी जो आपके मोहम्मद इकबाल साहब ने लिखी। फिर एक और लिखिएगा इनके बारे में, इकबाल साहब के बारे में, ही गॉट द टाइटल ऑफ, इनको सारे जो मुसलमान थे उन्होंने ये टाइटल दिया था, ही गॉट द टाइटल ऑफ, टाइटल ऑफ अलाई इकबाल, अलाई इकबाल। ठीक है, अलाई इकबाल, इनको अलाई इकबाल भी कहा जाता है। ठीक, चलिए अगली पर्सनालिटी लिखिएगा मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, सर, मदन मोहन मालवीय। हाँ अरुण, कुछ बोल रहे थे? अलाई इकबाल जो टाइटल है वो इनको दिया था या इन्होंने मुसलमान को? नहीं, जो मुस्लिम लीडर्स थे और जो मुस्लिम इस्लामिक फॉलोअर थे उन्होंने इकबाल साहब को ये टाइटल दिया था, अलाई इकबाल। ठीक है, तो पूछा जाता है कि भाई किसको अलाई इकबाल कहा जाता था, तो आप टिक करिएगा आपके मोहम्मद इकबाल साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो मदन मोहन मालवीय के बारे में आपने काफी कुछ सुना होगा, तो सबसे पहला लिखिएगा इनका सबसे पहला इंपॉर्टेंस या इंपॉर्टेंट वर्क जो आपको ध्यान में रखना है, लिखिएगा In 1909,
एंड 1918 एंड 1918 ही बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। ठीक है, देन लिखिएगा सेकंड पॉइंट करके, इन इलाहाबाद, जो आपका प्रयागराज हो चुका है, इन इलाहाबाद ही स्टैब्लिश हिंदू समाज, इन इलाहाबाद ही स्टैब्लिश हिंदू समाज सोसाइटी, हिंदू समाज सोसाइटी। पूछ सकते हैं भाई किसने बनाई हिंदू समाज सोसाइटी, मदन मोहन मालवीय ने। फिर अगला पॉइंट बना के लिखिए, ही स्टार्टेड फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स, ही स्टार्टेड फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स। एक बार पूछ लेते हैं, पहला लिखिएगा न्यूज़पेपर का नाम अभ्युदय, ABH अभ्युदय, अभ्युदय ये पहला न्यूज़पेपर था इनका, अभ्युदय। ठीक है, सेकंड लिखिएगा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, सेकंड आपका हिंदुस्तान, और थर्ड लिखिएगा द इंडियन यूनियन, द इंडियन यूनियन। ठीक है, द इंडियन यूनियन ये इनका आप कह सकते हो दूसरा न्यूज़पेपर था, तीसरा न्यूज़पेपर था द इंडियन यूनियन। ठीक है, तीन न्यूज़पेपर इनके ये हो। फिर अगला पॉइंट लिखिएगा, इन 1907, इन 1907, 1907 ही स्टैब्लिश इंडियन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इंडियन इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल सोसाइटी। इस सोसाइटी का मकसद ये था कि जो भी आपके इंडस्ट्रीज के रिलेटेड जो लोग हैं, बिजनेसमैन, इंडियन बिजनेसमैन हैं या लेबर है, अगर उनको किसी भी तरीके की परेशानी होती है तो वो यहाँ पर आके सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। फिर अगला पॉइंट लिखिए, इन 1926, इन 1926 ही एस्टैब्लिश राष्ट्रवादी पार्टी, इन 1926 ही एस्टैब्लिश राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी पार्टी। ठीक है, राष्ट्रवादी पार्टी ये भाई इन्होंने 1926 में एस्टैब्लिश की राष्ट्रवादी पार्टी। और फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है जो अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में, लिखिएगा ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु यूज द वर्ड स्वदेशी, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु यूज द वर्ड स्वदेशी, हु यूज द वर्ड स्वदेशी। यानी कि एग्जाम में आएगा कि भाई स्टेटमेंट को, कि आप लोग यूपीएससी में स्टेटमेंट ही देते हैं तो दे सकते हैं कि भाई ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि मदन मोहन मालवीय वॉज द फर्स्ट पर्सन हु गेव और यूज द वर्ड स्वदेशी, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे स्वदेशी का मतलब बिल्कुल वही है जो आज हम लोग अडॉप्ट करते हैं, कि जो भी आपके चीजें हैं, सामान हैं, सर्विसेज हैं, जो इंडियन मेड चीजें हैं, उन्हीं को हम लोग क्या करें, यूज करें। अच्छा, फिर लिखिए, इन 1918, इन 1918 विद द हेल्प ऑफ एनी बेसेंट, इन 1918 विद द हेल्प ऑफ एनी बेसेंट, विद द हेल्प ऑफ एनी बेसेंट ही स्टैब्लिश बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, ही स्टैब्लिश बनारस हिंदू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो एग्जाम में आता भाई किसकी मदद से जो है ये स्टैब्लिश की गई थी, तो आपके एनी बेसेंट और मदन मोहन मालविया दोनों ने मिलके जो है 1918 में ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की, जिसको आज भी आप BHU के नाम से जानते हैं। फिर अगला लिखिए, ही गॉट द टाइटल, थोड़ा अजीब सा टाइटल है, पता नहीं क्यों दिया गया ऐसा, ही गॉट द टाइटल, ही गॉट द टाइटल किंग्स, किंग ऑफ बैगर्स, किंग ऑफ बैगर्स, किंग ऑफ बैगर्स, यानी कि हिंदी में अगर हम बोले तो भिखारियों का राजा। He got the title of Kings of Beggar from गांधी जी। तो ये
टाइटल जो है खुद गांधी जी ने जो है इनको दिया था, किंग्स ऑफ बैगर फ्रॉम गांधी जी। ठीक है, तो आ सकता है एग्जाम में कि भाई किंग्स ऑफ बैगर किसको कहा जाता था, या स्टेटमेंट में दे देंगे आपको। फिर इनको एक और टाइटल था इनका, आपका इनका देखिए, ही गॉट द टाइटल ऑफ महामाना, ही गॉट द टाइटल ऑफ महा माना, गॉट द टाइटल ऑफ महामाना, गॉट द टाइटल ऑफ महामाना, गिवन बाय डॉक्टर संपूर्णानंद, गिवन बाय डॉक्टर संपूर्णानंद। ठीक है, ही गॉट द टाइटल ऑफ महामाना फ्रॉम डॉक्टर संपूर्णानंद। पूछ सकते हैं भाई किसने दिया ये सब चीजें। चलिए अगला आते हैं हम लोग, अगला नाम जो है लिखिएगा, शायद ये नाम भी आप लोगों ने सुना हो, और वो नाम है आपका राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया। तो देखो, हमारी आजादी की लड़ाई में किसी एक पर्सन ने कोई इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं किया, सभी ने मिलके जो है काफी कुछ कंट्रीब्यूशन जो है हमारे यहाँ किए हैं। तो राम मनोहर लोहिया में लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, इन 1934, इन 1934 ही एस्टैब्लिश कांग्रेस समाजवादी पार्टी। ये कांग्रेस से बिल्कुल अलग पार्टी थी, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस समाजवादी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। ठीक है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी। देखो, हमारी पॉलिटिक्स में, इंडिया की पॉलिटिक्स में, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रिटिशर्स और फ्रॉम द टाइम ऑफ द ब्रिटिशर्स और आजादी के बाद भी, एक अच्छा खासा जो थिंक टैंक रहा है, या जो सपोर्टर्स रहे हैं, वो सोशलिज्म के भी रहे हैं, समाजवाद के, सोशलिस्ट के रहे हैं, जिनका हमेशा ये मानना रहा है कि कंट्री में कभी भी जो एसेट्स हैं, नेचुरल जो एसेट्स हैं, उन पे बिल्कुल सबका बराबरी का हक होना चाहिए, और जो फैसिलिटी आप मिलनी चाहिए वो टॉप टू बॉटम सबको एक जैसी मिलनी चाहिए। एजुकेशन हो तो सबको एक जैसी मिले, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जैसे आज आप एजुकेशन को देखो तो प्राइवेट जो आपके स्कूल्स हैं और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, उनका एक अलग कॉन्सेप्ट है, अलग उनका एक पैटर्न होता है पढ़ाने का, जबकि प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट जो आपके स्कूल्स होते हैं, सबका एफिलेशन जो है सीबीएसई या एसएससी से होता है, लेकिन सब में सिलेबस भी सेम होता है, लेकिन जो डिलीवरी सिस्टम होता है वो अलग होता है। तो ये समाजवादी लोग या सोशलिस्ट लोग का मानना था कि ये सब चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए, आप चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, आपको एक ही क्वालिटी की चीज़ मिले, तो अच्छा सबको मिले तो सबको ही मिले, या बुरा मिले तो सबको ही बुरा मिले। ठीक है, तो ये उस राम मनोहर लोहिया उस कह सकते हो कि सोच को, थिंकिंग को बिलोंग करते थे। फिर लिखिए, ही स्टार्टेड अ मैगजीन, एक और इनका काम है, ही स्टार्टेड अ मैगजीन द सोशलिस्ट, ही स्टार्टेड अ मैगजीन द सोशलिस्ट। इसमें भी वो बहुत कुछ जो है बड़े इंस्पायर्ड थे सोशलिज्म से। स्टार्टेड अ मैगजीन सोशलिस्ट, स्टार्टेड अ मैगजीन सोशलिस्ट। फिर अगला लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट करके, आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ही एस्टैब्लिश समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। ठीक है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ही एस्टैब्लिश समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। चलिए अगला नाम लिखिए, ये नाम शायद मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका था, अगर याद हो तो बताना मुझे, रास बिहारी, बिहारी रास बिहारी बोस। ये नाम मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाया था, किसी को याद आ रहा है? खासतौर पर अरुण शिरवी आप में से, रास बिहारी बोस नाम मैंने पहले क्यों लिखाया था? कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसके बाद ये इंडिया छोड़ के चले गए थे, किसी को याद नहीं है? चलो कोई बात नहीं, इसमें लिखिएगा रास बिहारी बोस में लिखिएगा, इनका क्यों इसको आप याद वो रखते हैं, नाम ध्यान में रखते हैं। लिखिए, एक ही सीधा पॉइंट है, पहले लिख लो दो, ही थ्रो अ बॉम्ब, ही थ्रो अ बॉम्ब ऑन ओवर या अपॉन लॉर्ड हार्डिंग, ही थ्रो अ बॉम्ब ऑन लॉर्ड हार्डिंग इन 1912।
ठीक है, थ्रो अ बॉम्ब ऑन लॉर्ड हार्डिंग इन 1912। आप लोगों को मैंने बताया था कि जब 1912 में ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया था कलकत्ता से दिल्ली, और जब 1912 में आपके जो लॉर्ड हार्डिंग साहब थे हाथी पे बैठ के चांदनी चौक से पास ऑन हो रहे थे, तब इनके ऊपर जो है राज बिहारी बोस साहब ने जो है वो क्या किया था, इनके ऊपर बॉम्ब फेंका था। वो बात अलग है कि ये बच गए थे, लॉर्ड हार्डिंग को कोई चोट नहीं पहुंची थी, लेकिन इसी के बाद ये राज बिहारी बोस जो है वो इंडिया छोड़ के कहाँ चले गए थे, आपके जापान चले गए। ठीक, अच्छा फिर अगला पॉइंट लिखिएगा, इन 1942, इन 1942 ही स्टैब्लिश इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। इन 1942 ही स्टैब्लिश इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, LEAGU करके, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ठीक, फिर अगला लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, इन 1943, इन 1943, 1943 ही ट्रांसफर द कमांड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, ही ट्रांसफर द कमांड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग टू सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, टू सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, टू सुभाष चंद्र बोस। देखो आपको ध्यान में रखना होगा कि आपकी जो आजाद हिंद फौज है, ठीक है, आजाद हिंद फौज, इसको आपने इसको बनाया था आपके, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, कैप्टन मोहन सिंह, ठीक है, ये भी जापान में रहते हैं, उन्होंने बनाया था, कैप्टन मोहन सिंह ने। और जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग हो गई, इसको आपके बनाया था राज बिहारी बोस ने। बाद में क्या किया गया था कि आजाद हिंद फौज और प्लस आपकी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था, और मर्ज करने के बाद इसका जो नाम रखा गया था वो इंडियन नेशनल आर्मी रखा गया, यानी कि आजाद हिंद फौज रखा गया, ठीक है, उस साल बुक्स में ऐसे ही आपका सिनोनियम देते हैं। और फिर इस दोनों आर्मी का जो मर्जर था, यानी कि आजाद हिंद फौज या इंडियन इंडिपेंडेंस ये आर्मी, इंडियन इंडिपेंडेंस आर्मी, इसकी जो कमांड थी, जैसे मैंने बताया कि 1943 में आपके सुभाष चंद्र बोस को हैंड ओवर कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आपके एग्जाम में आएगा कि भाई आजाद हिंद फौज का गठन या एस्टैब्लिशमेंट कितनी किसने की, तो आप टिक करेंगे कैप्टन मोहन सिंह ने, और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है वो किसने बनाई, तो आप टिक करेंगे आपके राज बिहारी बोस ने, ठीक। और बाद में फिर इन्होंने जो है वो हैंड ओवर कर दिया, वो एक अलग चीज है, याद रहेगा यहाँ तक सबको, ठीक है, लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला नाम लिखिएगा आप लोग, लाला लाजपत राय, ये कराया तो नहीं मैंने पहले, लाला लाजपत राय इंडेक्स में तो नहीं है, देख लो, लाला लाजपत राय, हाँ ये है तो नहीं पहले से, देखना इसको, मुझे लग रहा है शायद करा दिया मैंने, हाँ नहीं होगा, ठीक, लाला लाजपत राय। तो सबसे पहला लिख लीजिए जो आपने शायद बचपन में सुनते आ रहे होंगे, ही वॉज नोन एज शेरे पंजाब, ही वॉज नोन एज शेरे पंजाब, ठीक है, ही वॉज नोन एज शेरे पंजाब। अभी आपने लेटेस्ट न्यूज सुनी होगी, जो आपका कैट है, यानी कि कैट का फुल फॉर्म क्या हुआ, वो मत बोलना एमबीए के लिए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो कैट ने बाकायदा आपके जो यूपीएससी है उसको कह सकते हो कि रिक्वेस्ट ऑर्डर तो कर नहीं सकता, लेकिन एक तरीके का नोटिस जारी किया है कि इस बार का जो आपका किसका पेपर हुआ है, सीसैट का जो पेपर हुआ है, यानी कि जो सेकंड पेपर है, उसमें कई ऐसे मैथ्स और रीजनिंग के ऐसे और इंग्लिश का पैसेज भी ऐसे था जो आपके किसके लेवल का था, जेई के लेवल का था, जो एंट्रेंस भरा कैट हुआ था इंजीनियरिंग के लेवल का, या कैट के लेवल था। तो वो ये कह रहे हैं कि इसको 33% को रिड्यूस करके 23% क्या करो, क्वालिफाइंग करो, ठीक है, वरना ऐसे सेकंड पेपर में कोई क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि सेकंड पेपर में अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और आपकी अगर क्या अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है, और प्लस आपका जो डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ध्यान रखना जो आपका ये होता है ना एप्टीट्यूड टेस्ट, जो अच्छा हम लोग बोलते हैं डिसीजन मेकिंग टेस्ट, उसके आंसर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला नहीं बता सकता, क्योंकि उसके आंसर हमेशा यूपीएससी के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है।
क्वालिफाइंग तो लोग आराम से कर ले, क्योंकि आपको 80 में से कितने क्वेश्चन सही करने होते हैं, 28 क्वेश्चन। जहां ये सही हुए आपका पेपर क्वालिफाई हो गया। लेकिन अब देखो कैट की बात, जिसकी मानता है कि नहीं मानता है, अगर मानेगा तो अच्छी बात है। लेकिन ये भी यूपीएससी में पहली बार हो रहा है इतिहास में ऐसा। हाँ अरुण, कुछ बोल रहे थे आप? सर उन्होंने तो अभी 15 तारीख को रिजल्ट डिक्लेयर करने वाले हैं, उसके बाद ही उसका रिजल्ट देने वाले हैं। ये जो कैट का जो मांग की है, हाँ इसके लिए ना, रिजल्ट के लिए। सर, पर रिजल्ट पहले ही डिक्लेयर करने वाले हैं। अब देखते हैं वो क्या करते हैं, कैट की मांग बात मानते हैं कि नहीं मानते, वरना बच्चे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं भाई। आपका इट इज योर कॉन्स्टिट्यूशन राइट, ठीक है चलो गया। तो शेरे पंजाब हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड लिखिएगा, सेकंड आपका है, हाँ सेकंड लिखिए, ही स्टैब्लिश डीएवी कॉलेज इन लाहौर। स्टैब्लिश डीएवी कॉलेज इन लाहौर, आज भी पाकिस्तान में ये कॉलेज है, डीएवी कॉलेज इन लाहौर। यहाँ डीएवी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, ठीक है। तो डीएवी कॉलेज इन लाहौर, तो अगर ये इन्होंने डीएवी कॉलेज लाहौर में स्टैब्लिश किया, तो इसका मीन्स ये हो गया कि ही वॉज वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम द आइडियोलॉजी ऑफ आरएसएमएच। ये भी ध्यान रखना। कुछ ऐसा भी लीडर पूछ सकते हैं कि भाई बताओ इन चारों में से वो कौन सा लीडर था जो आर्य समाज से बहुत ज्यादा इंस्पायर था, उसकी आइडियोलॉजी से बहुत ज्यादा इंस्पायर था। तो आप टिक करके आएंगे लाला लाजपत, ठीक। देन नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखिए, ही स्टैब्लिश इंडियन होम रूल लीग इन अमेरिका। ही स्टैब्लिश इंडियन होम रूल, इंडियन होम रूल लीग इन अमेरिका। जब ये कुछ सालों के लिए अमेरिका में थे लाला लाजपत राय, तो वहां पर उन्होंने ये जो पार्टी थी बनाई थी, इंडियन होम रूल लीग इन अमेरिका। फिर अगला लिखिए, इन 1920 ही बिकम्स द प्रेसिडेंट, ही बिकम्स द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, ठीक है, बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। फिर लिखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ही वॉज अगेंस्ट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जो गांधी जी ने इतना बड़ा मूवमेंट आपका 1920 में स्टार्ट किया था, ये उसके अगेंस्ट में थे, ठीक है। ही वॉज अगेंस्ट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि बताओ इन चारों में से वो कौन सा आपका लीडर था जो एनसी एनसी एनसीएम के अगेंस्ट में था। तो आप टिक कर गया भाई गांधी जी, सॉरी एनसीएम मूवमेंट के ये अगेंस्ट में थे। फिर अगला लिखिएगा, ही बिकम्स द प्रेसिडेंट, ही बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ हिंद सभा, सॉरी हिंदू सभा। ही बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू सभा in 1925, ठीक है, बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ हिंदू सभा in 1925। देन लिखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज और बड़ी अच्छी चीज है, ही बिकम्स, ऐसे लिख लो, ही वॉज इलेक्टेड, ही वॉज इलेक्टेड, ही वॉज इलेक्टेड इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ही वॉज इलेक्टेड इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल in 1923, in 1923 and 1926। दो बार ये हो गए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल in 1923 and 1926। दो बार जो है भाई इनको मौका मिला, उसका क्या कह सकते हो, मेंबर बन गए। फिर लिखिए अगला पॉइंट करके, ही स्टैब्लिश सर्वेंट ऑफ पीपल्स सोसाइटी। ही स्टैब्लिश सर्वेंट ऑफ पीपल्स सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ पीपल्स सोसाइटी, ठीक है, सर्वेंट ऑफ पीपल्स सोसाइटी।
यहाँ पे लिख लीजिए ये सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव क्या था, तो ब्रैकेट में लिख लो फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लास, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लास, उसके लिए जो है ये सोसाइटी बनाई गई थी, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लास, अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लास। ठीक संदीप, आपने टेस्ट नहीं दिया था बायो का, हाँ सर, बायो का टेस्ट दिया था कल। तो पर आपका टोटल स्कोर क्यों दिखा रहा जीरो? सर मैंने सर अच्छे से, मतलब मैं थोड़ा बिजी था ऐसे ही दे दिया था सर। मैंने पूरे अच्छा क्वेश्चंस तो किए थे। ठीक है। और अरुण का 2.50 है, शिरवी का 5.20 है, सोनाली का ठीक है 14.75 के करीब है, 60 मिनट का टाइम लिया। तो सोनाली क्वेश्चन कितने गलत हो गए थे आपके इसमें? मेरे 30 क्वेश्चंस थे। हाँ यस सर, सर उसमें जियोलॉजी के क्वेश्चंस, मतलब मेरा जियोलॉजी काफी पहले का पढ़ा हुआ है, तो वो थोड़े से मुझे नहीं, मतलब आपके उतने फाइव याद थे। हाँ इनकरेक्ट हुए थे, 9 आपने अनअटेम्प्ट किए थे और 16 सर, आपके, अच्छा यानी कि आपने फ्लूक्स कम ट्राई किए है ना। ठीक हाँ सर, बढ़िया हाँ सर, जी ठीक बढ़िया। जी देखो ये भी आप लोगों को एक आदत रखनी है धीरे धीरे टेस्ट देते हुए, फ्लूक्स को ट्राई कम करना। मैं पहले बोल दे रहा, आपके जैसे सिविल सर्विसेज में यानी कि IFS के एग्जाम में आउट ऑफ 100 जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि इतना पढ़ने के बावजूद अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में 50+ क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं तो आपका 100% श्योर है प्री क्वालिफाई, क्योंकि 50+ में तो श्योर है, उसके बाद 100% आपके 20 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जिसमें आप ए और बी में डाउट में होंगे, 20 भी करके आओगे तो कम से कम 10 क्वेश्चन सही निकल जाते हैं, तो 100% है कि उस साल आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई है। लेकिन जहां आपको 100 में से 40+ क्वेश्चन आते हैं, 42 43 में श्योर हो, और उसके बाद आप 20 जो है तुक्के, तुक्का का मतलब ए और बी में डाउट थे, तो उसमें थोड़ा सा चांसेस क्या होते हैं, डामाडोल हो जाते हैं कि आ भी नाम आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको वही एक्यूरेसी मेंटेन करनी है कि बस किसी भी हालत में 50+ क्वेश्चन आपके सही निकले। ठीक है, और 50+ में मैंने फिर से वही बोला, सबसे बड़ी रास की बात यही है कि 50+ किस तरीके से सही निकले, तो बायो वालों के लिए यानी IFS वालों के लिए यही है कि जितने भी आपके बायो के क्वेश्चंस हैं वो गलत नहीं होने चाहिए, जितने भी आपके इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हैं वो आपके गलत नहीं होने चाहिए, जितनी भी आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो 50 में से लगभग लगभग 30 के करीब तो ये सब तीनों सेक्शन से मिला के आपके पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद आपकी पॉलिटी हो गई, फिर मॉडर्न इंडिया हो गई, फिर ज्योग्राफी हो गई, है ना, फिर इस तरीके से हम धीरे धीरे बढ़ते आते हैं कि भाई आपके क्वेश्चन जो है वो बढ़ते जाए। क्या तो ठीक है, मैं वही सबका देख रहा था, लेवल देख रहा था कि मुझे बायो किस तरीके से शुरू करनी है आप लोगों के साथ, कि आप लोग का बेस भी एक बार के लिए रिवाइज करा दूं मैं। ठीक है, उस तरीके से मैं स्लाइड शुरू करूंगा कि बेस भी आपका रिवाइज हो जाए, और जैसे कि जो आप में से नॉन बायो बैकग्राउंड के हैं तो उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए कि भाई वर्टिब्रेट और नॉन कॉर्डेट कॉर्डेटा में क्या फर्क है, कहीं को यही पता नहीं चलता कि कॉर्डेटा क्या होते हैं या वर्टिब्रेट क्या होते हैं। ये जैसे शायद सोनाली ने ये वर्ड सुना होगा, हेमी कॉर्डेटा, यूरो कॉर्डेटा, सिफेलो कॉर्डेटा, ये वर्ड सुने हैं सोनाली? हेमी कॉर्डेटा, यूरो, सिफेलो, देखो सुने यस ही होंगे, है सर, हाँ ना। सर, सुना हुआ है। हाँ हाँ, बट ये अरुण के लिए एक ही बात है। हाँ अरुण, ये वर्ड सुने हैं, हेमी कॉर्डेटा, यूरो कॉर्डेटा, सिफेलो कॉर्डेटा? नहीं सर, सब एक नहीं ही लग सुने? रहा है इसमें। अच्छा, एलियन लग रहा है, मतलब अरुण के लिए शब्द जी ऐसे हो सर, गए जैसे कि खतरनाक बात होगी, मतलब बहुत हमने कहीं कहीं हाई फाई बातें कर ली। ठीक, खैर, तो मुझे फिर यही मैं बात बोल रहा कि आप लोग का मैं जब पढ़ाना शुरू करूंगा, मैं पहले क्लियर कर दे रहा बायो, आप लोगों को कईयों को लगेगा कि बहुत बेसिक चीज से पढ़ा रहे हैं सर, ये तो बच्चों वाली चीज है, बट जो नॉन बायो बैकग्राउंड के बैच में है उनके लिए मुझे लेना पड़ेगा, तो थोड़ा सा बेयर अप कर लेना जो बायो बैकग्राउंड के हैं, जो जेनेटिक्स ज्यादा पढ़ चुके हैं या जिनका MSc तक रहा है, थोड़ा सा बेयर अप कर लेना, फटाफट हम लोग बेस क्लियर करते हुए एडवांस की तरफ चलते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ बेस वाली चीजें आप लोगों को भूल चुके हो, रिवाइंड हो जाए आपकी, ये भी एक एक फायदा रहेगा आप लोगों को। चलिए वापस आते हैं अपने लाल लाजपत राय साहब में। तो मैंने बताया